हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज देखते हैं कि न्यूज़पेपर में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ऐसी क्या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जो प्रीलिम्स 2020 में आपको हेल्प करेगी। तो मिंट न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि इंडिया फ्रांस टू डीपन डिफेंस पार्टनरशिप। तो डिफेंस पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि इंडिया और फ्रांस की जो मिलिट्रीज हैं वो कौन सी एक्सरसाइजेज करती हैं। तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो बेसिकली ये आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं और ये कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया ये एक्सरसाइजेज करता है, ठीक है। तो पहली है एक्सरसाइज शक्ति, तो उसके आगे लिखा हुआ है फ्रांस, वरुणा उसके आगे लिखा हुआ है रशिया, गरुड़ा उसके आगे लिखा हुआ है यूके। तो अब हम देखते हैं कि ये है क्या, क्या ये करेक्टली मैच्ड है। देखें, जो एक्सरसाइज शक्ति है वो इंडियन और फ्रेंच आर्मीज के बीच में है। एक्सरसाइज गरुड़ा जो है वो इंडियन और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच है। एक्सरसाइज वरुणा जो है वो इंडियन और फ्रेंच नेवी के बीच में है। तो बेसिकली ये तीनों की तीनों इंडिया और फ्रांस के बीच में है, और इससे हमें पता लगेगा कि वरुणा और रशिया ये गलत है, गरुड़ा और यूके ये गलत है, सिर्फ यही एक सही हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही है। तो ऐसे जो बायलेटरल एक्सरसाइजेज हैं वो भी हमें पता होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच जो होती हैं, और जो न्यूज़पेपर में आती जाएंगी वो तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। अब एक और ये आर्टिकल आया था, इसके अंदर किस चीज के बारे में बात की, इसके अंदर बात की गई यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ठीक है, ऑन सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन। यूएन ग्लोबल जो कॉम्पैक्ट है उससे रिलेटेड एक आर्टिकल आया है। तो इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन। तो पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि द ग्लोबल कॉम्पैक्ट इज द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटली नेगोशिएटेड एग्रीमेंट प्रिपेयर्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कवरिंग ऑल डायमेंशंस ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन इन होलिस्टिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। ये एक स्टेटमेंट है इसकी। दूसरी कह कि इट इज अ नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, ये बाइंडिंग नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि वॉशिंगटन डिक्लेरेशन पेव्ड द वे फॉर ग्लोबल कॉम्पैक्ट ऑन माइग्रेशन। तो तीन स्टेटमेंट है, अगर आपको पता है इसके बारे में, आपने पढ़ा है, तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये कुछ इंफॉर्मेशन है इसके बारे में कि 19 सितंबर 2016 को हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट एक साथ आते हैं और उन्होंने यूएन की जनरल असेंबली के अंदर ये डिस्कस हुई कि कैसे माइग्रेशन और रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो तब न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन फॉर रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स, इसके अंडर जो है ये कॉम्पैक्ट बनाया गया और ये नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है। तो वहां जो वॉशिंगटन डिक्लेरेशन दिया हुआ वो गलत है, ये एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है और न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के अंडर ये एग्जिस्टेंस में आया था। अब आपको पता लग गया कि कैसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे और क्या इंफॉर्मेशन है जो आपको न्यूज़पेपर से निकालनी है। आपको अपने खुद के लेवल पे भी काम करना होगा। थैंक यू।